भारी बंदूक के बल पर 10 लाख की लूट, निजी कंपनी के एजेंट को बनाया निशाना। बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका अंदाजा हमें और आपको बखूबी लग चुका है। लगातार हो रही छोटी बड़ी वारदातों से ये तय है कि अपराधियों के मन से पुलिस प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है। इसी कड़ी में कटिहार में दिन दहाड़े 10 लाख की लूट का मामला सामने आया है, जिसे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जिले के सहायक थाना क्षेत्र के साहिब पारा मोड़ के पास राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एजेंट नकुल देव शाह से बाइक सवार अपराधियों ने बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तीन बाइक सवार बदमाशों ने रजिस्ट्री ऑफिस से रुपया लेकर एक्सिस बैंक जा रहे कर्मी को जीआरपी चौक से पहले रोका और बंदूक दिखाकर 10 लाख की रकम छीन ली और फरार हो गए। लूटपाट के बाद पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद दो थानों की पुलिस घटनास्थल पर छानबीन करने पहुंच गई। वहीं इस मामले में कटिहार एसडीओपी ने बताया कि कंपनी का एजेंट मधेपुरा के मूल निवासी हैं। एजेंट नकुल शाह ने बताया कि कंपनी का 10 लाख रुपए लेकर वह रजिस्ट्री ऑफिस से ला रहा था। जीआरपी चौक से पहले तीन बाइक सवार बदमाश गोली के दम पर रकम छीनी और फरार हो गए। यहाँ मामला हमें संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि जहाँ लूटपाट हुई वो सड़क काफी चालू है। भीड़भाड़ में इतनी बड़ी रकम लेकर जाना संदिग्ध लग रहा है। कंपनी के कर्मी की सैलरी 7200 प्रति महीना है, इसका 10 लाख बैंक जाने की बात कहना भी संदिग्ध है। दोनों बिंदुओं पर जांच जारी है। इस भीड़भाड़ वाले इलाके में कुछ सेकंड भी गाड़ी रुकती है तो लंबा जाम लग जाता है। ऐसे में बाइक रोक कर बंदूक भिड़ा कर लूटपाट कर फरार हो जाना अपने आप में संदिग्ध है। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।